नेवई थाना क्षेत्र के स्टेशन मरोदा में गुरुवार की रात को अभिषेक नामक एक युवक की हत्या की घटना हुई है। अभिषेक नायक की पत्नी उसे और अपने 4 साल के बच्चे को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति को पति बनाकर रहने लगी थी। इसी बात को लेकर उसका अपनी पत्नी व ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। गुरुवार की रात को भी उनके बीच में इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जहां पर उसकी पत्नी कविता साहू व ससुर घुमान साहू ने उसके डंडे से बेदम पिटाई की। कुछ देर बाद सड़क किनारे उसकी लाश मिली थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक महिला ने अपने ही पति की लाठी और लोहे के डंडे से मारकर हत्या कर दी। इसमें पत्नी का जो पिता है वो भी इन्वॉल्व था। दोनों को गिरफ्तार किया गया है धारा 302 में। जो पति इसकी हत्या हुई है वो शराब गांजा का सेवन किया करता था। चोरी के केस में 2 वर्ष पूर्व जेल भी गया था। निश्चित रूप से दिखाता है कि नशा के उपयोग करने से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, शारीरिक, वैधानिक सभी तरह के नुकसान होते हैं। समाज को नशे से हमें दूर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वो पहली शादी जो है वो उसने रिचुअल्स के साथ नहीं किया था। जब पति जेल गया तो वो उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन पति जब जेल से छूटा तो उसने उसकी शादी में भी व्यवधान क्रिएट किया और बीच बीच में आके इसको परेशान किया करता था। तेज गुस्से में उसने जो है लाठी से हमला किया, जिससे कि पति की जान चली गई। कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हम कितने भी परेशान हों, हम कितने भी उत्तेजित हों, कितने भी गुस्से में रहें, कभी भी हमें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। नशा करने वाले लोगों के दिमाग और ऑर्गन सारे श्रिंक रहते हैं, छोटे से हमले में भी उनकी जान जा सकती है। ये एक नॉर्मल सिटीजन्स के लिए भी एक सीख है कि सड़क पर जाते समय कोई व्यक्ति रिपी के हल्ला कर रहा है तो 112 को कॉल करें, उस पर कार्रवाई करवाएं। खुद कानून को कभी भी हाथ में ना लें, अन्यथा आप काफ़ी वैधानिक मुश्किलों में फंस सकते हैं।